प्रतापगढ़ में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन में हुए शामिल दरियावाद बुधवार को भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष पोपट खोकरिया दरियावाद पहुंचे। उन्होंने एक निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और खोकरिया ने बताया है कि भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा की टीम ने दरियावाद उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम 4 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया गया है कि आदिवासी क्षेत्र के अंदर जनजाति छात्र छात्राओं का प्रवेश कॉलेज में 12% के अनुसार किया जा रहा है, जिसको बढ़ाकर इस सत्र से 45% के अनुसार प्रवेश दिया जाए ताकि आदिवासी छात्र छात्राओं को प्राइवेट कॉलेज में प्रवेश नहीं लेना पड़े। इसके साथ ही जमा किए जाएं जनजाति छात्रों के लिए हर वर्ग में अलग से सेक्शन खोले जाए। राजकीय कन्या महाविद्यालय प्रतापगढ़ के नाम से सरकार द्वारा बजट सत्र 2011-12 में जमीन व भवन के लिए राशि स्वीकृत हो चुकी है और उस भवन में जीआर महाविद्यालय संचालित है। उस भवन में राजकीय कन्या महाविद्यालय सत्र से सुचारू रूप से चलाया। प्रदेशाध्यक्ष के साथ दौरे में डूंगरपुर छात्र संघ अध्यक्ष कमलेश खाटिया, भील प्रदेश युवा मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता कमलेश डिंडोर, राज्य सदस्य भरत डिंडोर, डूंगरपुर भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा के जिला संयोजक राजेश मनात, भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा के राज्य सदस्य गोविंद गंगोत, डूंगरपुर भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा के जिला सदस्य राजेश रोत, मीडिया प्रभारी लोकेश रोत दरियावाद पहुंचे, जहां दरियावाद भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता नीलेश बरोड़, राज्य सदस्य सुरेश माल, गुमान सिंह बरोड़, नितिन बरोड़, भगवान लाल बामणिया, राजू बरोड़, राजकुमार बुच ने सभी पदाधिकारियों का माला पहनाकर स्वागत किया। उसके पश्चात प्रदेशाध्यक्ष के नेतृत्व में पूरी टीम प्रतापगढ़ चल रही अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन में सम्मिलित होने के लिए रवाना हुई। हम डूंगरपुर से भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा की टीम, जैसे प्रतापगढ़ में धरना स्थल चल रहा है वहाँ के लिए हम निकले हैं, तो यहाँ दरियावाद की टीम बीपीएम की जो भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा की टीम थी उसके मार्फत हमने दरियावाद एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया। और हमारी डिमांड है कि जैसे गरीब छात्र हैं, जैसे 12% जिसको आरक्षण मिल रहा है उसको हम 45% की हमारी डिमांड है। सभी राजस्थान के प्रदेश के सभी कॉलेजों के सभी विद्यार्थियों की डिमांड है और हमारी आपसे ये डिमांड ये भी है कि जैसे गरीब छात्र हैं उनको समय पर छात्रवृत्ति मिल जाए। और अभी हम जाएंगे प्रतापगढ़ और प्रतापगढ़ जाके जहाँ धरना स्थल चल रहा है वहाँ पर हम जाके उनसे जो भी हमारे भाई हैं वहाँ युवा साथी उनसे बात भी करेंगे। और हमारे अगर हमारी मांगे सरकार ने मुख्यमंत्री ने नहीं मानी, शिक्षा मंत्री ने नहीं मानी तो आने वाले